हाय फ्रेंड्स, मु रश्मि आपण मानक रश्मि ट्यूब स्वागत जनाऊँ। तो फ्रेंड्स, आज आपण मानी बहुत गुड़े गुरुत्वपूर्ण खबर रही। आज सन्ध्यार आ कि क्षण मात्र बस राज्य कैबिनेट बैठक तासत बड़ अपडेट रही। डीए वृद्धि को नहीं निर्वाचन पूर्व बढ़ केन्द्र कर्मचारी डीए, यह सब गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िकर आज भिडियो डिटेल्स आलोचना करवा। तेणु आपण मानक अनुरोध भिडियोटी शेष पर्यटन देखूँ। भिडियोटी देख सारापर भिडियोटी पसंद आसे भिडियोटी को हृदय लाइक कर दिंतु। सहित आपंकर सांगसाथी भिडियोटी को व्हाट्सअप और फेसबुक मध्यम सेयार करने बिल्कुल भी भूलु ना। सहित एवं सुधा जब चैनल को सब्सक्राइब करना सर्वप्रथमे चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु और ओल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दिंतु, जहाँफल कि ये लेटेस्ट अपडेट सर्वप्रथमें आपने आम चैनल मध्यम पारे। डेरी नक चलत आज जो गुरुत्वपूर्ण खबर रही जाणी ना। तो देखो आज सन्धार बस राज्य कैबिनेट बैठक अध्यक्षता करेंगे मुख्यमंत्री। आज बस राज्य कैबिनेट बैठक 2024 वर्ष यह तृतीय कैबिनेट बैठक हम। आज संध्यारे लोकसभा भवन में कैबिनेट बैठक बस मुख्यमंत्री नवीन पटनायक अध्यक्षतार गुरुत्वपूर्ण बैठक बस। विभिन्न विभाग गुरुत्वपूर्ण प्रस्ताव उपर मोहर बाजी पारे। विभाग अवहेलू दंड पाँच एलिमेंटरी शिक्षक 13 जिले है पदोन्नति 17 जिले अटकी। विद्यालय 90% प्रधान शिक्षक पद खाली। जिलार किसी शिक्षा अधिकारी दायित्वहीनता दंड पाँच एलिमेंटरी स्तर शिक्षक शिक्षय। राज्य सरकार निर्देश सत्वे 13 जिले एलिमेंटरी शिक्षक शिक्षयत्री पदोन्नति सारी बेले 17 जिले पदोन्नति पारिना। फल एलिमेंटरी स्तर में प्राय 90% प्रधान शिक्षक तथा अन्यान्य पदगुड़िक खाली पड़ी। तेणु बालेश्वर जिलापी यही पदोन्नति सुजोग रही भी अधिकारी अवहेला जो शेष समय शिक्षक शिक्षयत्री वंचित होती, जहाँ को नहीं शिक्षक शिक्षयत्री मध्य असंतोष वृद्धि पाँच। नमस्कार, जय जगन्नाथ। आज जो ट्रांसफर समस्या नहीं विभिन्न जिले में समस्या उपस्थित म्यूचुआल स्पाउस और अन्यान्य ग्राउंड ट्रांसफर समस्या नहीं आज प्राय 40-50 जन शिक्षक शिक्षयत्री आज आम विभिन्न उच्च अधिकारी सहित आलोचना करूँ। डायरेक्टर अफिस विभिन्न अधिकारी सहित आलोचना करूँ। ता सहित ओसेपा सहित ओसेपार समस्त उच्च पदाधिकारी सहित आलोचना करूँ। पुंखानुपुंखा आलोचना करूँ। जो म्यूचुआल जे समस्या थिला किसी जिले में डीओ मैंने आपण मानक ऑनलाइन एप्लीकेशन शो कर बर्तमान डीओ मैंने रेकमेंड कर जिले म्यूचुआल अदर पार्टनर मानक रेकमेंड होता बेले अदर विपक्ष पार्टनर नॉट रेकमेंड मध्य डीओ मैंने कर पचारा बेले से विशेष भाव में कहते जे कास्ट प्रॉब्लम किसी अच्छी जेंडर बा कास्ट नहीं की समस्या है बा अन्य किसी बा मुख्यतः से कहते सिस्टम रे शो करते इन एलिजिबल बोल से समस्या अवगत करूचुआल जो माने हिंदी सांस्कृत पीट अच्छा से मानकर ट्रांसफर पर जो सोशल कैटेगरी जनरल सहित एससीबीसी आउ ओबीसी जोहेतु से माने डिस्ट्रिक्ट कैडर बोली आम बर्तमान सुधा कहूचे से एलिमेंटरी मध्य सेटा अच्छी जे जनरल सहित ओबीसी एससीबीसी हिंदी सांस्कृत पीट क्षेत्र में हो पार आमर टीजीडी क्षेत्र में तो ना हो पार कि डीओ रेकमेंड करा कि डीओ नॉट रेकमेंड बोली कर सेटा को जहाँ भी पूर्व वर्ष में टीचर मैंने यही ग्राउंड में जेनेल सहित ओबीसी एससीबीसी जाइंट से विषय में पुंखानुपुंखा आलोचना करूँ। ता सहित स्पाउस क्षेत्र में जो डीओ मैंने किसी जिले में रेकमेंड कर जिले में रेकमेंड करना जोटा को से फिल्टर पकईकी 15 वर्ष फिल्टर इंटर पर 6 वर्ष फिल्टर पकई एंट्रापी जो प्रॉब्लम देखा इन एलिजिबल देखा किसी डीओ ओवरकम करूव कर रेकमेंड करीओ रेकमेंड बर्तमान सुधा करना नॉट रेकमेंड बोली अच्छी जहाँ आज केन्द्रापड़ा रु बहुत टीचर मैंने आज आसते समस्या नहीं कि जिलूर समस्त अल्प आसते आम समस्ते आलोचना यह पुंखानुपुंखा आलोचना करायरेक्टर अफ सेकेंड मैंने कही पुंखानुपुंखा आम यहाँ तर्जमा करूँ आम ये अवगत कलु आज से पुंखानुपुंखा तर्जमा करेंगे कौ जगार एक्चुअली भूल रही
हिटाची कंपानी जो फिल्टर पकईचे सेटा एलिमेंटरी फिल्टरटा पड़ी कि कौन तापर पुंखानुपुंखा से माने आलोचना करेंगे तर्जना करेंगे हे तो आसंता काली आम जहाँ विश्वास मिलूँ आसंता काली एक उच्चस्तरीय बैठक भी हो पाए आपण मैंने कहीं व्यस्त हे आपण मान सहित आम सदा सर्वदा रही सेमान भी ओसे वाला भी आमको कही आम यहाँ तर्जमा करूँ आ चेष्टा करूँ जे समस्या समाधान किपर भाव गाइडलाइन अनुसार नियम अनुसार खूब शीघ्र हो पार कारण कौन ना जो म्यूचुअल कथा आम कहे सरी जो स्पाउस कथा आम कहे आगुरी पूर्वर थी जे 15 वर्ष गाइडलाइन छः वर्ष गाइडलाइन कितु बर्तमान 2023 मसीह जो न्यू अर्डर टी आसी नोटिफिकेशन आते विषय ना तेनाली हूँ तो अवगत जान ना आम सब जिन आज जड़ेचु आम चेषा कर समस्या समाधान पूरी भाव में हो पार धन्यवाद जय जगन्नाथ नमस्कार जय जगन्नाथ आज दिन तो मैं व्यस्त थी एबे जस्ट घरे आसी पहुँचली आज विभिन्न जिलार ट्रांसपोर्ट नहीं विभिन्न समस्या जो लगी रही था से विषय आपको तथ्य देवाई लाइव के आज जो ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम थिला से प्रॉब्लम पाई विभिन्न जिलार प्राय 70-80 जन पिला आम एकाठी होतलु गैदरिंग होती धन्यवाद देवी से मानक जो मैंने निजर न्याय दबाई लड़ाक आज आ लड़े कर दीर्घ 6 घंटा 7 घंटार अपेक्षा पर आम को डायरेक्टर आसला आम जा आलोचना करने तेणु आलोचना करूँ डायरेक्टर सार एक विषय अवगत एवं डेप्युटी डायरेक्टर सर अवगत अच्छा तेणु से आम खबर पाच केन्द्रापड़ार डीओ मैडम सहित आलोचना करेणु भावुँ केन्द्रापड़ार जो म्यूचुअल केस नहीं जो प्रोब्लेम अच्छे गोटे दिन भितर सल्व हो पार आ गोटे कथा कही रखा चाहूँगी जदि आपण मान कहार भी प्रोब्लेम अच्छी नियम थी है तो आप गोटे सादा कागज निजर आप्लिकेसन और सपोर्टिंग डक्यूमेंट आणिक डायरेक्टर डाक दिंतु क्या भेटा दरकार नहीं अलरेडी से विषय नहीं डिस्कसन जहाँ भी आप्लिकेसन आसो एक्जामिन करेंगे जी से समस्त तथ्य ठीक थी से सब प्रकार ग्राफ्ट एलिजिबल होते तो निश्चिंत से ट्रांसफर फैसिलिटी पाइबे तृतीय कथा हूँ स्पाउस केस नहीं आम आज आलोचना करूँ जेनराल एससीबीसी की नहीं आलोचना करूँ परवर्ती अवस्था रे जनरल एससीबीसी की नहीं गोटे सकारात्मक सूचना आसी जेहेतु आर वर्ष डिस्ट्रिक्ट क्याडर एलिमेंटरी में यहाँ को ग्रहण करेणु जो जो जनरल और एससीबीसी काटिंट से ट्रांसफर केस को निपे यार संभावना प्राय बहुत अच्छी तेणु से जिन आप सचेतन हे जो मैंने जनरल एससीबीसी थे अदर आउ गोटे पॉइंट हो स्पाउस पाई जो प्रॉब्लम रही उपस्थापन करूँ से क्षेत्र आम कही किंतु लगुच जहाँ ट्रांसपोर्ट इलेक्शन पर पारे जहाँ संभावना जीक मत देखा जाऊँगी कथबार्तार आम जी अनुभव कलु तथापि आम चेषा करूर्वर आलोचना मध्यम यहाँ आगे करने कि जहाँ आम कथबार्तार लक्ष्य कलु जानवाक पाइलु इलेक्शन परवर्त अवस्था को ये जापे तेणु जोटी जो डीओरे प्रोब्लेम होपण मैंने गोटे काम करूँ 23 गाइडलाइन नहीं कि जी करुच्ची जो डिलिंग आसटाट करुच्ची ताको बुझात ये डिलिंग आसटाट एडीओ सार मैंने प्राय कर तेणु आपओ सार डिलिंग आसटाट सहित कथाई पारे और कथी गाइडलाइन विषय पढ़े जे कौटी लेखाइन स्पाउस केस टाइम बाउंड अच्छी कौटी 6 वर्ष हबार अच्छी कि 15 वर्ष हबार अच्छी कौट कौ जगार भी लिखा जाए तेणु 3-4 दिन घुंचार अच्छी का गोटे बड़ समीक्षा बैठक अच्छी जी जो आडिशनाल डायरेक्टर सारा बुझुं ट्रांसफर से आज अनुपस्थित थे तेणु से का आस सर यहाँ पर निश्चिंत रिव्यू हम एवं 2-3 दिन भितर जहाँ भी मानने तथ्य आपण मैंने कही रखुचु जार भी सठिक तथ्य थी और जी क्राइटेरिया भितर को आसो सी ट्रांसफर हे 100% आपड़ ये नहीं कि ओरीड हूँ निश्चिंत हम टिके स्पाउस केस नहीं कि आम आउ टे आलोचना करूँ उच्चपदस्थ अधिकारी सहित आज डायरेक्टर सहित मत आलोचना होगी धन्यवाद देवी जो मैंने आसते लोअर पीएमजी किए क्यों गंजाम रू किए केर रू किए कलाहांडी अधिकांश केन्द्रापड़ार समस्त धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद देवी तांकपाई आज बहुत बड़ प्रॉब्लम सॉल्व होई जी समस्त न्याय पाक जाऊँगी तेणु से निश्चिंत स्वागत योग्य माने
ଧନ୍ୟବାଦର ପାତ୍ର, କାରଣ ସେଇମାନଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବଳରେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଲଢ଼େଇ ବିନା ଏ ଜୀବନର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଲଢ଼େଇ କରି ଶିଖିଲେ ହିଁ ଆମେମାନେ ଆମର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ତୃତୀୟତଃ ନିବେଦନ ରଖିବି, ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖ ଦିନ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜି ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବଢ଼ିବ ଡିଏ। ବାସ୍ତବର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରତିବର୍ଷ 2 ଥର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ବୃଦ୍ଧି ଜୁଲାଇ ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଡିଏ ଆକାରରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନ ବର୍ଷ, ଆସନ୍ତା ମାସକ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଆସିଯିବ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନ୍ସନ୍ ଭୋଗୀ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଶିଳ୍ପ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପଭୋକ୍ତା ମୂଲ୍ୟସୂଚୀ ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଏଥର ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତାରେ 4% ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ, ଯାହାପରେ ସମୁଦାୟ ଡିଏ 50%ରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା 46%, ଗତଥର ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତାରେ 4% ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସପ୍ତମ ବେତନ ଆୟୋଗଙ୍କ ସୁପାରିଶ ଆଧାରରେ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଦିଆଯାଉଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତାର ହିସାବ ଶିଳ୍ପ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ଉପଭୋକ୍ତା ମୂଲ୍ୟ ସୂଚାଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେବ। ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଏକ ଶାଖା ଶ୍ରମ ବ୍ୟୁରୋ ପ୍ରତିମାସରେ CPI IW ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନ୍ସନ୍ଭୋଗୀମାନେ ଯଥାକ୍ରମେ 46% ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଏବଂ ମହଙ୍ଗା ଆଶ୍ୱସ୍ତି DR ପାଉଛନ୍ତି। 2013 ଅକ୍ଟୋବର 18ରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଜୁଲାଇ ପହିଲାରୁ ଏହା ପିଛିଲା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନ୍ସନ୍ଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ DA ଏବଂ DR 4% ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହି ବୃଦ୍ଧି ଚଳିତ ବର୍ଷ January 1 କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନ୍ସନ୍ଭୋଗୀମାନେ DA ଏବଂ DR ପାଇଥାନ୍ତି। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନ୍ସନ୍ଭୋଗୀଙ୍କ ବେତନର 1% ହେଉଛି ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ପ୍ରଭାବ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଏଇ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିକାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଆଜିକା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକିରେ ଶେଷ କରୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାହେବା ସେଥିପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।